बंगाल के अंदर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा बड़ा एक्शन लिए जाने के बाद में बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के अंदर बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद हड़कंप मच चुका है टीएमसी पार्टी के नेताओं में। वहीं आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद में लगातार बंगाल के अंदर बड़ी खींचातानी मची हुई है। इस बीच में बंगाल के अंदर बड़ी खबर आज सामने आ रही है ममता दीदी के इस्तीफा देने की। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता दीदी से इस्तीफे की मांग की है और बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष होने जाने के बाद सीएम पद पर भी मोहर लग चुकी है। बीजेपी के नेता लगातार बड़े तौर पर बयान दे रही है ममता दीदी के खिलाफ में, आंदोलन छिड़ चुका है अब इस्तीफा देने का। टीएमसी के नेताओं से लगाकर कई बड़े नेता लगातार बंगाल के अंदर हिंसा फैला रहे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बंगाल के चुनावी नतीजे 2 मई के आने के बाद और 5 मई के बाद ममता दीदी के शपथ ग्रहण के बाद में लगातार बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता हो या फिर कार्यकर्ता, उनके ऊपर बड़ी बड़ी एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं इस बीच में ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि ममता दीदी के द्वारा CID के ऑफिसरों को भी लगा दिया गया बीजेपी के नेताओं के पीछे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने ये दावा करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर ममता दीदी के डर से करीबन 2 लाख हिंदू परिवारों ने बंगाल को छोड़कर चल पड़े। इस बीच में ये भी बड़ी बातें सामने आ रही है कि बंगाल के अंदर सबसे बड़ी अहम खबर और भयंकर एक्शन ले लिया है शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी के खिलाफ में। वाई प्लस की सिक्योरिटी बीजेपी के सभी विधायकों को दे जाने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर नेताओं के खिलाफ CBI का एक्शन ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के अंदर मचे इस उलटफेर को अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने PM मोदी से वार्तालाप करते हुए बड़े तौर पर बयान और एक्शन लेने की बात करने के बाद ममता दीदी गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। ममता दीदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए बयानों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर पूरी तरीके से शांति है। एक तरफ से ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ममता बनर्जी डर के मारे अब बेहोश होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी के नेता लगातार बड़े एक्शन लेने की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी के नेता प्रतिपक्ष सुने जाने के बाद विधानसभा सदन के अंदर अब काफी ज्यादा हंगामा भी मचा हुआ है। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बड़े तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर अब विधानसभा सदन के अंदर ममता बनर्जी को उनकी औकात दिखाई जाएगी, क्योंकि बंगाल के अंदर लगातार हिंदू हो या फिर TMC के विपक्ष के नेता, उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के समर्थक रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर भी शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ने अपना ऑपरेशन सफाया करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान लगातार हिंदू लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जिस बीच में राज्यपाल धनदीप धनखड़ के द्वारा ममता बनर्जी से हेलीकॉप्टर की मांग की गई हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, तो उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद में ये बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मैं राज्यपाल और राष्ट्रपति से लगाकर गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।